इन दिनों चुनावी नतीजों का इंतजार चल रहा है। कल जैसे ही एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, वैसे ही चुनावी हलचल भी तेज हो गई। एग्जिट पोल को लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि एग्जिट पोल में जो आंकड़े सामने आए हैं, वो बता रहे हैं एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं, जो आते हैं, वो नतीजों की दिशा तय करते हैं कि मतदाता किधर गया है, वो ये बताते हैं। और सारे एग्जिट पोल ये तो बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सीटों में सारे अलग अलग बता रहे हैं। सीटें मैं बताऊंगा, क्योंकि हमने चुनाव लड़ा है, सीटें 400 के पार जाएंगी, जो मोदी जी ने कहा था वो सार्थक होगा। कितना सही मानते आप एग्जिट पोल को? मैंने बताया है, इस हद तक तो ठीक है कि भी हाँ सरकार बीजेपी की बनेगी, आंकड़ों पर डिपेंड कर रहे हैं। एक एग्जिट पोल तो आंकड़ों में भी ठीक बता रहा है, चाणक्य का मैंने देखा है वो 400 बता रहा है। हरियाणा में कौन नुकसान था? इंडिया हरियाणा में भी जीतेंगे। इस दौरान पूर्व गृह मंत्री विज ने आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सोमनाथ भारती के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर तीसरे बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो वो अपना सिर मुंडवा लेंगे, जिस पर विज ने बड़े ही मजाकी अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि वो अभी सिर मुंडवा लें, मोदी जी तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जो मुंडवाना मुंडवा ले, प्रधानमंत्री तो वो बनने जा रहे हैं, अगर क्या, अगर की तो बात ही नहीं है, अभी मुंडवा ले हो जाए। हालांकि जीत किसकी ये तो 4 तारीख को आने वाले नतीजे ही बताएंगे। खैर, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनने जा रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।